दोस्तों अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे? दोस्तों हमेशा क्या करते हैं स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन आ जाने पर ये जो अल्फाबेट दिए उसके नंबर लिखते हुए प्लस माइनस करके ये कुछ सेटिंग करते हैं, राइट। लेकिन हर बार ऐसा नहीं आता है, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में, वही आपको सिखाने जा रहा हूं मैं। देखिए दोस्तों यहां पर लिखा है सेप्टेंबर, यहां पर 54 दिया है और यहां पर अगस्त के अंदर क्वेश्चन मार्क दे, तो कैसे हम लोग क्या करेंगे जिससे दोस्तों आंसर इजिली मिल जाए। तो काम करता हूं मैं, सेप्टेंबर का नंबर जो है यहां पर लेटर जो है वो काउंट कर लेता हूं मैं। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल क्या है 9 है, तो यहां पर लिखता हूं 9 लिखता हूं इक्वल टू 54 लिखता हूं जो लिखा है यहां पर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहां पर जनवरी में क्या लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर मैं 7 लिखा मैंने, इक्वल टू यहां पर 42 लिखता हूं जो यहां पर नीचे लिखा हुआ था, ठीक है। अब ध्यान दोगे अगर आप, अगर तो ये 9 और यहां पर 54 किस तरह से आया होगा, तो 9 में अगर मल्टीप्लाई बाय मैं 6 करता हूं तो 54 मिल जाएगा, उसी तरह से दोस्तों 7 में अगर मल्टीप्लाई बाय 6 करूंगा तो 42 मिल जाएगा, इतना क्लियर हो गया है। तो इसी तरह से दोस्तों यहां पर देखिए काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर 6 आ गया है। सब में क्या मल्टीप्लाई किया दोस्तों, 6 मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर भी 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 कितना होगा 36 होगा, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा दोस्तों 36 आएगा और ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी चीज आप सीख गए हो। चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आया दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? जब भी दोस्तों ऐसे बॉक्स टाइप के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, तो आपको कैसे हिंट मिलेगा, आपको ध्यान देना होगा हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली कुछ ना कुछ आपको हिंट मिल जाएगा। तो यहां पर दोस्तों ध्यान दोगे तो 2 5 और यहां पर 8 दिया है, तो एक काम करता हूं 2 + 5 7 होगा, राइट, और 7 में अगर +1 करता हूं तो मुझे 8 मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर 4 + 5 9 होता है और 9 में अगर +1 करता हूं तो 6 तो नहीं मिलेगा, तो कुछ और लॉजिक लगाना होगा। तो यहां पर 5 दिया है, यहां पर 8 दिया, राइट, तो 5 में अगर मैं +3 करूंगा तो मुझे 8 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 3 मुझे कैसे मिलेगा, तो ध्यान दोगे ये 5 को अगर मैं 2 से माइनस करता हूं तो मुझे 3 मिल जाएगा, और फिर 5 को 3 से प्लस करने पे 8 मिल जाएगा। ये लॉजिक को यहां पर चेक कर लेते हैं हम लोग, तो देखिए 5 को अगर 4 से अगर माइनस करोगे तो कितना मिलेगा दोस्तों 1 मिलेगा, राइट, और 5 प्लस 1 करोगे तो 6 मिल जाएगा। देखिए लॉजिक मिल रहा है यहां पर, तो देखिए यहां पर 2 और 3 है, तो 3 में अगर 2 माइनस करूंगा मैं कितना मिलेगा दोस्तों मुझे 1 मिलेगा, तो यहां पर 1 लिखता हूं मैं, और यहां पर 3 प्लस 1 करोगे तो 4 मिल जाएगा, एकदम क्लियर हो गया। तो यहां पर 4 और 7 दिया है, तो 7 माइनस 4 करोगे तो आपको 3 मिल जाएगा, और 7 को आपको 3 से प्लस करना होगा तो आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर मिलेगा 10 मिलेगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। बात करना था मुझे, आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीबीएसई क्लास 10 की बात कर रहा हूं मैं, और आपने बहुत से टीचर से यह सुना होगा कि बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करने के लिए अगर पिछले 10 साल का पेपर अगर आप कर लो तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों आप लोगों के लिए सैंपल पेपर लेके आया हूं मैं पिछले 10 सालों का, और साथ में दोस्तों टोटली सॉल्व पेपर है, मतलब पिछले 10 साल में जो भी पेपर आए हैं उसका फुल्ली सॉल्यूशन आपको इस बुक में मिल जाएगा। और दोस्तों इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, सोशल साइंस सारे सब्जेक्ट्स में इंक्लूडेड हैं। और दोस्तों जो अभी पेपर आया था सीबीएसई 2022 21 अप्रैल का जो इशू किया गया था, वो भी सैंपल पेपर सॉल्व दिया हुआ है इस बुक के अंदर। तो ये बुक मेरे हिसाब से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। पसंद आया है दोस्तों ये बुक अगर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, फटाफट जाके परचेज कर लीजिए और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। तो दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो कैसे सॉल्व करोगे? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन देखकर दिमाग पूरा घूम जाता है कि कम टाइम में कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ध्यान दोगे दोस्तों यहां पर देखिए 0 दिया है और 4 और 3 दिया है, ठीक है। तो एक काम करता हूं अभी मैं एक लॉजिक लगाने जा रहा हूं जहां पर ये मैच हो जाए, ठीक है। तो यहां पर 4 और 3 को माइनस कर लेता हूं मैं, 4 और 3 को माइनस करूंगा तो मुझे 1 मिलेगा, लेकिन मुझे 0 लाना है। तो एक काम करता हूं मैं यहां पर मैं 1 लिख देता हूं, तो 1 - 1 कितना होगा 0 होगा, ठीक है। अभी के लिए लॉजिक मैं ये ले लेता हूं, मैं आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। 9 और 6 है, तो 9 और 6 अगर माइनस करोगे, 9 - 6 करोगे कितना मिलेगा दोस्तों 3 मिलेगा, लेकिन यहां पर 3 है, यहां पर 26 है, तो क्या लॉजिक लगेगा? तो दिमाग लगाओगे अगर तो 3 दोस्तों दिया हुआ है, 3 का अगर क्यूब करोगे अगर तो क्या होगा दोस्तों 27 होगा, और यहां पर 26 लाना है, तो यहां पर -1 होगा तो क्या मिलेगा दोस्तों 26 मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर जो लॉजिक लगा था जो हमें पता नहीं है लेकिन हो गया, वो लॉजिक क्या था दोस्तों कि 1 का क्यूब करने पर जो मिलेगा हमें 1,
फिर माइनस वन करना होगा, ये लॉजिक लगा था। देखते हैं यहां पर, देखिए ये 8 और 12 है, तो 12 में अगर 8 माइनस करोगे, 12 माइनस 8 करोगे कितना होगा दोस्तों, 4 होगा। ठीक है, अगर 4 का क्यूब करोगे कितना होगा दोस्तों, 64 होगा। और सब में देखिए माइनस वन किया है, तो माइनस वन करोगे तो आपको 63 मिल जाएगा। देखिए यहां पर 63 आ गया, क्लियर हो गया है। उसी तरह से दोस्तों यहां पर 12 और 10 दिया है, तो 12 माइनस 10 करोगे कितना मिलेगा दोस्तों, 2 मिलेगा। और 2 का क्यूब करोगे कितना मिलेगा आपको, 8 मिल जाएगा। और सब में माइनस 1 किया है, तो यहां पर ही माइनस 1 करोगे तो आपको 7 मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर दोस्तों आपको 7 मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। ये अगर इंटरेस्टिंग लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आ, आपके लिए आखिरी क्वेश्चन लेके, और आखिरी क्वेश्चन बहुत ही दमदार क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, यहां पर 12, यहां पर 18, यहां पर 30 दिया है, यहां पर 6 दिया है, यहां पर 16, 32 और 40, और यहां पर 8 दिया है। क्या लॉजिक लगाओगे जिससे ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आंसर आएगा आपको इजीली मिल जाए। अब बहुत ज्यादा लॉजिक लगाओगे दोस्तों, यहां पर 12, 8, 30 और ये 6 लाना बहुत ज्यादा इंपॉसिबल लग रहा है। अगर ध्यान दोगे दोस्तों तो ये 6 देखिए यहां पर, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30, ठीक है। यहां पर 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, ये लॉजिक मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन दोस्तों लॉजिक है क्या ये नहीं पता चल रहा, राइट। तो एक काम करता हूं दोस्तों, आपको कुछ सिखाने जा रहा हूं यहां पर, SCF। SCF मतलब क्या होता है दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ये होता है कि जो नंबर यहां पर नीचे दिया जाएगा वो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा जो ये तीनों नंबर को डिवाइड कर दे, ठीक है। इसे बोलते हैं SCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप देखोगे ये 6 जो दोस्तों सबसे बड़ा नंबर है जो ये तीन नंबर को डिवाइड कर देगा। उसी तरह दोस्तों 8 दोस्तों अगर देखोगे सबसे बड़ा नंबर है जो 16, 32 और 42 को इजीली डिवाइड कर देगा, राइट। तो यहां पर आपको ऑप्शन से सॉल्व करना होगा कि कौन सा ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर जो है वो तीनों को डिवाइड कर दे, क्लियर हो गया। तो यहां पर दोस्तों देखो 18 देखोगे तो 18 2 जा 36, 18 1 जा 18, लेकिन 18 जो है 27 को डिवाइड नहीं कर पाएगा तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। यहां पर देखोगे 12 देखोगे तो 12 3 जा 36, लेकिन 12 18 को डिवाइड नहीं कर पाएगा तो ये कैंसिल हो गया। अब 9 बचा देखिए यहां पर, तो 9 4 जा 36, 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 6 जो है दोस्तों 9 से छोटा है और हमें यहां पर SCF का लॉजिक लगाना है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह 9 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट करिए, और एक लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करिए जिससे मैं मोटिवेट होकर ऐसी वीडियो आपके लिए बना सकूं। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।